हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस मोटो व्लॉग्स। तो आज हम आ गए हैं एक्सप्रेसवे पर, केएमपी एक्सप्रेसवे, और यहाँ हम अपनी पल्सर 135 की टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो में मैंने 0 to 100 का टॉप जो स्पीड था वो आपको कैलकुलेट करके बताया था, जिसमें 0 to 100 ये बाइक कितनी सेकेंड्स में गई थी। आज हम इसका टॉप स्पीड करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट एवरीवन, आई होप कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे हैं और ट्रैफिक बहुत तेज़ी से जा रहा है, यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो आई डोंट नो आप मुझे ठीक से सुन पा रहे होंगे या नहीं, बट खैर नोटिस तो ये है कि आज हमने इसका टॉप स्पीड चेक करना है। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। आई थिंक 122 के पास तक गई। मेरा ध्यान मीटर की तरफ ज़्यादा नहीं था, मेरा ध्यान रोड की तरफ था, बट बीच में जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नज़र आया उस हिसाब से 122 तक ही गई है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बजाज ने इस बाइक के अंदर पावर जो है वो बहुत अच्छा डाला है। एक 135 सीसी सेगमेंट के अंदर इतना अच्छा पावर कि 122 तक जा रही है। नॉर्मली 150 सीसी या 160 सीसी की बाइक आज की डेट में इस स्पीड तक जा पाती है। 14 BHP का पावर दिया था इसमें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एक कमी है इस बाइक में कि इसके जो टायर्स हैं, जो व्हील्स हैं, वो बहुत पतले दिए हैं इसकी पावर के हिसाब से। अगर वो अच्छे होते तो इस बाइक का रोड ग्रिप बहुत अच्छा रहता और इसको सिटी में भी चलाने में उतना ही मज़ा आता, बट खैर कोई बात नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बहुत दूर तक आना पड़ा मुझे इसका टॉप स्पीड आज चेक करने के लिए। 122 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मेरे ख्याल से इसने दिखाया है। एंड गाइस, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।